वेलकम। आज मेरे बेटे का बर्थडे है तो मैंने बनाया ये चोकोलावा केक। तो कैसे इसको बनाया, और बहुत ही इजी रेसिपी है, तो फटाफट हम चलते हैं हिमा की रसोई में और बनाते हैं चोकोलावा केक। बनाने के लिए देखिए, मैंने नॉर्मली चॉकलेट ली है जो हमारे पास दिवाली पे आई थी, बहुत सारी चॉकलेट्स थी। ये देखिए, ये डेयरी मिल्क है, ये इसको भी मैं ओपन कर लेती हूँ। ये देखिए, नॉर्मल जो हमारी चॉकलेट्स होती है ना, उससे ही हम बहुत ही बढ़िया सा केक बना सकते हैं। देखिए, है ना, इसके लिए हमको बेकरी पे जाने की जरूरत नहीं है। और आज मैं बताऊंगी आपको बहुत ही सा इजी सा तरीका। जो जो मेरे पास टॉफियां थी ना, मैंने सारी ले ली। इसको मैंने पिघलाने के लिए कढ़ाई में थोड़ा सा पानी रख दिया है। ये देखिए, ये देखिए, ये डाल के इसको मैं पिघला देती हूँ। देखिए, गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी, नहीं तो ये कांच का बाउल है ना, इसलिए इसको हम पिघला लेते हैं फटाफट से। ये स्टीम में बहुत ही अच्छे से जल्दी से मेल्ट हो जाएगी, हमारी टॉफी जो है मेल्ट हो जाएगी। ढक दिया है, जब तक हमारी देखिए चॉकलेट मेल्ट हो रही है, थोड़ी थोड़ी मेल्ट होने लगी है, दिख रहा होगा आपको। तो जब तक ये मेल्ट हो रही है, तब तक मैं फटाफट अपना नेक्स्ट प्रोसेस कर लेती हूँ। मैं डाल रही हूँ एक कटोरी मैदा, है ना, मतलब यानी कि एक बाउल। ग्राम से देखा जाए तो ये 100 ग्राम होगा, ठीक है। इसमें डाल रही हूँ मैं चीनी, जितनी हमने मैदा लेना उससे आधी चीनी, है ना, पिसी हुई चीनी मैंने ली है बिल्कुल बारीक। आप चाहें तो मार्केट की पाउडर शुगर भी ले सकते हैं। और मैं डाल रही हूँ इसमें कोको पाउडर, ये डाल दूं मैं 1 पिंच नमक, है ना। नमक से इसका बैलेंस बहुत ही बढ़िया रहेगा, आपको लगेगा नमक नमकीन हो जाएगा, लेकिन नमकीन नहीं होगा, बहुत ही बिल्कुल ना के बराबर मैं नमक डाल दूं इसमें, जिसका इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया सा आएगा। और मैं डालूंगी इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा है, सॉरी ये बेकिंग सोडा है। तो ये मैंने लिया आधी चम्मच से भी काफी कम, ये बेकिंग सोडा है, और आधा चम्मच लिया है मैंने बेकिंग पाउडर, जो कि केक में बहुत ही जरूरी होता है डालना। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, अच्छे से मेल्ट हो गई है, काफी अच्छी मेल्ट हो गई है। अब गैस की फ्लेम को मैं ऑन रहने देती हूँ, और इसी में मैं अपना केक बनाने वाली हूँ आज। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं पानी में केक कैसे बना रही हूँ, तो अभी इसको आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बताती हूँ केक बनाने का। अब मैं डाल रही हूँ मैदा, देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था सारी चीजें। इसमें डाल रही हूँ मैं पूरा 1 कटोरी ऑयल, यानी कि 4 बड़े चम्मच। देखिए, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और डाल रही हूँ ये विनेगर, बिल्कुल 1/2 टीस्पून, है ना। और मैं डालूंगी थोड़ा सा एसेंस, है ना, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बट इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने डाला इसमें। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम डाल देंगे इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी करके इसको घोल बना लेंगे अच्छे से। ये देखिए, हमने घोल अच्छे से तैयार कर लिया इसका केक का बैटर, जो थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ मैं बस। देखिए, इसको मैंने अच्छे से फैट लिया है, और ये अच्छे से फ्लफी भी हो गया। देखिए इसकी, ये देखिए हो रहा है ना बिल्कुल परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, तो हम इसमें बाउल में इसको शिफ्ट कर देंगे। इसमें मैंने ऑयलिंग पहले से ही कर दी थी, ये देखिए अच्छे से, ये देखिए पूरी ऑयलिंग अच्छे से कर दी। अब मैं इसमें इसको शिफ्ट कर दूंगी, देखिए इसमें मैं अभी आधा बैटर डाल दूंगी। डाल दिया है, जैसे हम पोटैटो बॉम बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। देखिए, अच्छे से डाल दिया हमने। अब हम इसमें थोड़ा सा बैटर ऊपर से और डाल देंगे। देखिए, ये देखिए तैयार कर लिया है। अब हम इसको स्टैंड पे रख देंगे। देखिए, गैस को मैंने ऑन कर दिया है, अब हम इसको लिड को ढक देंगे इसमें। देखिए, और इसको पकने देंगे करीब 10 से 12 मिनट हो गए, और आपको दिख रहा होगा कि काफी अच्छे से फूल रहा है। अभी इसको मुझे लग रहा है 3 से 4 मिनट और लगेंगे। इसको मैं उठाती नहीं लिट को, अब इसको 3-4 मिनट और पकने देते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट क्या करना है। हमने 12 मिनट में पहले चेक किया था, और अब 16 मिनट हो गए, और देख रहे हैं आप कितना बढ़िया फट रहा है। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि ये हो गया, मैं देखती हूँ निकाल के। वाह, ये देखिए एकदम क्लीन निकली है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये हमारा केक बन गया है। तो मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ, और इसको हम ठंडा होने देते हैं। अब मैं देखती हूँ इसको चाकू से निकाल के पूरा चारों तरफ से धीरे धीरे से। ये देखिए, अब मैं थोड़ा सा ऐसा करती हूँ, धीरे से निकालते हैं इसको। वाओ, कितना बढ़िया और कितना स्पॉन्जी है, दिख रहा है आपको स्पॉन्जी एकदम। अब हम इसकी करते हैं फटाफट से प्लेटिंग। तैयार है हमारा चोकोलावा केक, और बर्थडे बॉय भी।
ये है मेरा बेटा और आज इसका हैप्पी बर्थडे। तो चलो केक कटिंग करते हैं फटाफट से। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डियर आराध्य। वाह वाओ, आप देख रहे हैं अब देखिए इसमें कितनी बढ़िया और कितने अच्छे से टॉफी अंदर से बिल्कुल पिघल रही है, दिख रही है। मैं एक पीस काट के आपको और दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा जो केक बना है आज चोकोलावा केक, बहुत ही यमी एंड बहुत ही टेस्टी बना है ना। तो ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है चॉकलेट केक। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। ये देखिए हमारा चॉकलेट केक कितना टेस्टी, और चॉकलेट देख रहे हैं आप बिल्कुल मेल्ट होके एकदम बाहर निकली जा रही है, बिल्कुल एकदम बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी सा बनाया है, क्योंकि ये मेरे बेटे को बहुत ज्यादा पसंद जो है।